आरपी दे और मानजोग डॉक्टर जसवीर सिंह संधू साहब धनबाद जी डिप्टी साहब सब तो पहला तो मैं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद करता जिन्हों की सोच सदका पंजाब अच सिक्ख्या मैडिकल दे जिहड़े आ स्पीड अप ते जा रहा सो गल चल रही सी एम आर पी दे दवाइया दे डॉक्टर चरणजीत सिंह जी जो रेजुलेशन लैके आए हैं मैं उसकी सपोर्ट करता तो आस करते हैं कि पंजाब सरकार भी जिहड़ी आ उस ते पूरा जोर देवेगी साढ़े सेहत मंत्री सरदार बलबीर सिंह जी बहुत मेहनत कर रहे हैं सो असी यह सुरत सोच है कि साढ़े पंजाब के निवासियों जी दवाई मिलनी चाहिए है जो 3 रुपए की गोली 30 रुपए की मिलती है वह 3 रुपए की ही मिलनी चाहिए है ये बहुत वड्डा एक नैगलिजेंसी भी कह सकते हैं कि कुछ हॉस्पिटल है जो कॉरपोरेट कराने हैं उन्होंने जिहड़ियां दवाइयां अपने ब्रांड नेम हेठ रखियां वो अपनी मोनोपोली के अधीन जिहड़े वो काम कर रहे हैं अपने ब्रांड लिख रहे हैं वो अपनी दवाई तैयार कर रहे हैं सो वो दवाई ना ही तो बाहरों क्यों किसी मैडिकल स्टोर तो मिलती है ना इतने सरकारी डिस्पेंसरी चो मिलती है सो मैं गल प्राइवेट हॉस्पिटलों की कर रहा क्योंकि उन्होंने जिहड़ी लिखी दवाई है बाहरों बहुत ही घट मिलती है सो इहोजा भी कोई कानून पास किया जाए कि उन्होंने भी कंट्रोल रेट दिता जाए सो आम बंदे की पहुंच तो बाद जो हॉस्पिटल हो रहे हैं यह कारण यही है क्योंकि सरकार इस वल बहुत ध्यान दे रही है जे पहली सरकार ने ध्यान दिता हों तो शायद जी नौबत ना आती सो असी सरदार भगवंत सिंह मान की सोच ना जुड़े हैं तो पंजाब नूं एक इहोजे तरक्की के मॉडल से लैके जावे जिन्हें सारा पंजाब कहेगा कि सरदार भगवंत सिंह मान बहुत वधिया काम कर रहे साढ़े आइडियल सो मैं डॉक्टर चरण सिंह जी की सोचना और उन्होंने रेजुलेशन सहमत हाँ त्यास करता है कि पंजाब दे विच भी एक सेंटर सरकार ना एक इहोजी पॉलिसी बना के काम करांगे कि जो पंजाब दे विच जिहड़ा दवाइयां कंट्रोल रेट ते मिल सके धन्यवाद मानजोग मैंबर